वी ऑलमोस्ट रेडी अपना राइड के लिए, अभी फ्लैग ऑफ होगा, फिर हम चल पड़ेंगे एक एम्बेसी का पूरा राउंड लगाएंगे, जर्मन एम्बेसी, नीदरलैंड एम्बेसी और एक जो और एम्बेसी है, और हमारे विनय सक्सेना जी आ चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है, तो बहुत टाइम बाद, मतलब लगभग एक साल बाद मैं बाइसाइकिल राइड पे जा रहा हूँ, और मौसम बहुत ही शानदार है यार, ठंडा मौसम है एकदम, पूरे बादल छाए हुए हैं। और हमारा एक ग्रुप है, नया ग्रुप है, मैं मिलवाऊँगा सबसे, लगभग 7 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट होंगे, तो 6:30 बजे का टाइम था, लेकिन हम लेट हो चुके हैं। तो हमारा जो मीटिंग पॉइंट था वो था गोल्ड जिम जनकपुरी, और वहाँ से तो वो सभी मेरे राइडर फ्रेंड निकल चुके हैं, तो अब हम मिलेंगे डाबड़ी मोड़ पे। पूरे 7 बज चुके हैं और मैं पहुँच चुका हूँ डाबड़ी मोड़। ये सामने देखिए फ्लाईओवर दिख रहा है आपको, ये डाबड़ी मोड़ का फ्लाईओवर है, और हमारे दोस्त यहीं कहीं आसपास ही होंगे। वो खड़े हुए हैं सारे, तो मेरे दोस्त आगे नज़र आ रहे हैं, तो चलते हैं उनसे मिलते हैं फिर। बढ़िया जी, बढ़िया, मॉर्निंग। नवनीत भाई, सतेंद्र, अशोक भाई, नाम सतेंद्र, सतेंद्र जी, विशाल, विशाल, महेंद्र जी, हाय, धनुष, धनुष, अक्षय, अक्षत, अक्षत। तो ये सब भाई मिल गए हैं, अब चलते हैं आगे। जाना कहाँ है? नीदरलैंड एम्बेसी। नीदरलैंड एम्बेसी, चलो चलो। अभी ये कैंट एरिया में हम पहुंच गए हैं, और अभी तक मैंने 2 फ्लाईओवर को क्रॉस कर लिया है, सबसे ज़्यादा ताकत लगती है फ्लाईओवर पे। अब तीसरा आने वाला है धोला कुआं वाला, और इस टाइम आपको बहुत ही शोर सुनाई दे रहा होगा ट्रैफिक का। जब हम मोटो व्लॉगिंग करते हैं ना, तब मेरा जो माइक है वो हेलमेट के अंदर होता है, तब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो बाहर का शोर इतना नहीं आपको सुनाई देता। लेकिन अभी ओपन है, बिल्कुल ओपन एरिया है, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से बहुत ही ट्रैफिक की साउंड सुनाई देती है। काफ़ी टाइम बाद साइकिलिंग कर रहा हूँ, दम लग रहा है पूरा। ये अपना ग्रुप जा रहा है आगे। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। ये धोला कुआं वाला जो फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं, सामने मेट्रो स्टेशन धोला कुआं का, ये जो इंटरसेक्शन है ये बड़ा खतरनाक है, जो पीछे से बड़ा फास्ट ट्रैफिक आता है, और कुछ समय पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बाइसाइकिल राइडर की डेथ हो गई थी। ये बड़े ध्यान से ये क्रॉस करना पड़ता है। ऐसा आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली के एम्बेसी एरिया में, जो कि धोला कुआं में है, पूरा एम्बेसी एरिया। इसमें मोस्टली हर कंट्री की एम्बेसीज हैं। फिलिस्तीन दूतावास, एम्बेसी ऑफ फिलिस्तीन, ये है फिलिस्तीन की एम्बेसी, फिलिस्तीन। ये है मध्य प्रदेश भवन, एमपी हाउस, ये उत्तर प्रदेश दूतावास सामने, और ये सत्य मार्ग पे आ गए हम, सत्य मार्ग, और ये इटली दूतावास है, ये एम्बेसी ऑफ इटली। साइकिलिंग फॉर लाइफ। अभी कुछ देर में ऑनरेबल एलजी साहब यहाँ आ रहे हैं, फ्लैग ऑफ 8 बजे होगा,
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जो एम्बेसी एरिया है दोलोगवा का, और यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है साइकिलिंग फॉर लाइफ और साइकिल प्रमोशन, और यहाँ पे सभी एम्बेसीज के जितने भी लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉरनर्स जितने भी हैं, इंडियंस हमारे जितने भी दिल्ली के अपने जितने भी राइडर्स हैं वो भी आए हुए हैं, और फ्लैग ऑफ करने आए हैं श्री विनय सक्सेना जो दिल्ली के LG हैं, वो अभी कुछ ही देर में अभी फ्लैग ऑफ हो जाएगा तो वहाँ से फिर हम निकल पड़ेंगे। ये देखिए पूरे राइडर्स आए हुए हैं यहाँ पे, फॉरनर्स हैं सब, और पीछे स्नैक्स का बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया गया है, इसमें फ्रूट्स भी हैं, केला, सेब और चाय, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, और इसके अलावा स्नैक्स हैं, बिस्कुट वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा गया है, पानी के बहुत बढ़िया इंतजाम है यहाँ पे। तो बस अभी शुरू होने वाली है साइकिलिंग, फिर हम राउंड लगा के फिर हम सीधा वापसी चल पड़ेंगे। पहले नाश्ता करो, रिफ्रेशमेंट। तो वैसे ही आ गया था ना, केड़े वड़े नहीं खा के आए ना? हाँ देख के, वो महेंद्र भेज रखा है। हाँ रिफ्रेशमेंट। ये भी तो रिफ्रेशमेंट में ये ब्लैक कॉफ़ी है और मसाला टी है, साथ में बिस्कुट, स्नैक्स वगैरह काफ़ी कुछ है। नहीं चाय, मसाला चाय मिले, बहुत बढ़िया है, शर्माना नहीं है, सब कुछ खाना पीना है। और हमारे एलजी विनय सक्सेना जी आ चुके हैं और जस्ट अब थोड़ी देर में हम चल पड़ेंगे। एलजी विनय सक्सेना जी ने फ्लैग ऑफ कर दिया है, ये देखिए सामने विनय सक्सेना जी झंडा लेके। तो 15 मिनट के लॉन्ग ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा राइड कर रहे हैं। सामने देखिए पार्लियामेंट हाउस, और बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये हमारा। लास्ट टाइम जब ये इस एरिया को क्लोज किया गया था विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और ये टाइलिंग का काम देखो बहुत ही शानदार हुआ है, काफ़ी ग्राउंड भी मेंटेन हो चुका है ग्राउंड भी, और टाइलिंग का काम बहुत शानदार है। और बिल्कुल सामने आ गया है इंडिया गेट। और ये आ गया सामने इंडिया गेट, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ से मुड़ जाएंगे। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे है इंडिया गेट, और हम जा रहे हैं सीधा, ये देखिए इधर। तो ये लेफ्ट हैंड पे है लोधी गार्डन मेरे पीछे, जो पीछे आप देख पा रहे हैं पीछे, ये है लोधी गार्डन। लोधी गार्डन को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबा रूट हो गया ये, पहले इंडिया गेट, इंडिया गेट के बाद अब लोधी गार्डन, अब आई थिंक वापस जाएंगे अपना एम्बेसी एरिया में, और वहाँ से फिर निकल जाएंगे वापस। हेलो, व्हाट्स योर नेम? एंथनी। जर्मनी। वेयर फ्रॉम? जर्मनी। व्हाट्स योर नेम? प्रदीप। 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 एंड आर यू फ्रॉम हियर? या दिल्ली। नाइस। तो ये मेरे लेफ्ट साइड पे है नेहरू पार्क, बहुत ही प्यारा नेहरू पार्क है, फाउंटेन लगे हुए हैं अंदर, बहुत ही शानदार है यार एम्बेसी एरिया, बहुत ही शानदार है पूरा, ये जितना कैंट एरिया है और ये अपना एम्बेसी एरिया, बहुत ही शानदार नेहरू पार्क लग रहा। अंदर जाएंगे नेहरू पार्क में,
तो हम पहुंच चुके हैं नेहरू पार्क और यहाँ पे इस राइड का मतलब कि एंड हो गया है और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का पूरा इंतज़ाम किया गया है जैसे वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे था। और हम जा रहे हैं अब, थोड़ा रिफ्रेशमेंट करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। और टाइम जो हुआ है, समय जो हुआ है, वो 9:30 हो गया, 9:30 हो चुके हैं। वहाँ 8:30 चले थे और 9:30 हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ से सीधा भागेंगे घर को तो 10:30 तक हम पहुँच जाएंगे। तो ये मैंने रिफ्रेशमेंट लिया है और काफ़ी शानदार रिफ्रेशमेंट है। तो यहाँ पे अभी रिफ्रेशमेंट करके फिर निकलेंगे आगे। पीछे है मसाला चाय और लस्सी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। रिफ्रेशमेंट हो गया है, 9:30 आए थे और 9:50 हो चुके हैं। 20 मिनट में हमने रिफ्रेशमेंट कर लिया तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घरों को। और ये हमारी बाइक्स यहाँ पे हमने टाइक कर दी थी। तो गाइस थैंक यू आज की राइड के लिए सभी को, थैंक यू। तो नेक्स्ट राइड फिर मिलेंगे, फिर ब्लॉग बनाएंगे। तो गाइस एक लाइक तो बनता है यार, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।